नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल जीआईटी में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे मोल्ड कूलिंग एसेसरीज के नाम के बारे में और उनके काम के बारे में। दोस्तों हम जानेंगे कि मोल्ड एसेसरीज क्या क्या होते हैं और कैसे उनका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी टेक्निकल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों ज्यादा देर नहीं करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं निप्पल्स के बारे में, और सबसे पहला निप्पल है ग्रूव्ड होज निप्पल। दोस्तों जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, इसका प्रयोग वाटर होज पाइप्स के लिए किया जाता है। इसका आजकल ज्यादातर प्रयोग जो होता है वाटर मैनिफोल्ड्स में किया जाता है, जिससे वाटर निकाला जाता है मोल्ड के लिए। दोस्तों इसमें होज क्लैंप की मदद से पाइप को टाइट कर दिया जाता है। जैसा कि आप होज क्लैंप देख रहे हैं, इसमें होज क्लैंप की मदद से आपका पाइप चढ़ाकर उसके बाद होज क्लैंप को स्क्रू ड्राइवर से टाइट करके फिक्स्ड कर दिया जाता है। दोस्तों पहले इसका प्रयोग जो होता है मोल्ड निप्पल के रूप में भी किया जाता था, पर अब यह बहुत कम प्रचलन में है क्योंकि इसके ऊपर पाइप को चढ़ाना पड़ता है गर्म करके, उसके बाद आपका होज क्लैंप टाइट करना पड़ता है, फिर वैसे मोल्ड अनलोडिंग के टाइम में आपको पाइप निकालना पड़ता है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, अतः इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका जगह दो विभिन्न प्रकार के निप्पल्स ले चुके हैं जो हम आगे वीडियो में बताएंगे। दोस्तों इसको बार्ब टेल निप्पल भी कहा जाता है। बार्ब टेल का मतलब होता है कटीला। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस पे धारियां बनी हुई हैं जो कि होज पाइप को इजिली ग्रिप करने में मदद करती हैं, इसलिए इसको बार्ब टेल निप्पल भी कहा जाता है। दोस्तों यह मेल और फीमेल दोनों प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। अगला है क्यूआरसी निप्पल, जो कि आपके बार्ब निप्पल की जगह अब मोल्ड में यूज किया जाता है। यह है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। क्यूआरसी का मतलब होता है क्विक रिलीज कपलिंग, यानी कि इजिली और जल्दी से, क्विक मतलब जल्दी से रिलीज हो पाए। जैसा कि आपने अभी देखा कि जो बार्ब निप्पल होता है या जो आपके धारीदार वाले होज निप्पल होते हैं उसको रिलीज करने में यानी छुड़ाने में जब मोल्ड चेंज होता है तो उसको निकालने में काफ़ी टाइम लगता है, तो उसकी जगह आप क्यूआरसी निप्पल्स यूज किए जाते हैं। इसमें आपका एक मेल पार्ट होता है जो कि मोल्ड में फिक्स्ड रहता है और दूसरा फीमेल पार्ट होता है जो कि होज पाइप के साथ कनेक्ट रहता है। जैसे कि आप इसमें भी देख पा रहे होंगे, इसके भी एंड पर, एक एंड पर आपका ग्रूव्ड बना हुआ जिसके ऊपर आपका होज पाइप को फिक्स्ड कर दिया जाता है, और इसको जब असेंबल किया जाता है तो कुछ इस प्रकार दिखता है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, जिसमें जो मेल निप्पल होता है वो मोल्ड का साइड होता है और जो बार्ब टाइप होता है वो होता है आपका होज पाइप साइड, जिसमें होज पाइप फिक्स्ड रहता है। दोस्तों इसमें जो फीमेल कपलिंग होता है वह स्प्रिंग लोडेड होता है और इसके अंदर में ओरिंग होती है जो कि इसको असेंबल करने के बाद ओरिंग दब जाती है और पानी को सील कर देती है और लीक नहीं होता है। यह एल्बो निप्पल या 45 डिग्री या 90 डिग्री एल्बो निप्पल या डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट में पाए जाते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। दोस्तों आइए अब देखते हैं हम इसको प्रैक्टिकली कैसे फिट किया जाता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको जैसे करके आपका ऊपर से कपलिंग को चढ़ा दिया जाता है जिसे लॉक हो जाता है और इसके अंदर में ओरिंग होता है जो कि वाटर लीकेज को नहीं होने देता है। दोस्तों अगला आपका है मेल अडाप्टर। जैसा कि ये आपका क्यूआरसी का मेल पार्ट है जो कि मोल्ड में टाइट रहता है, मोल्ड में फिक्स रहता है, मोल्ड का जो चैनल होता है उसके बाहर इसको टाइट कर दिया जाता है जिससे पानी को इन या आउट किया जाता है। दोस्तों यह डिफरेंट शेप्स में पाया जाता है, जैसे सबसे पहला है आपका स्टैंडर्ड क्यूआरसी निप्पल जो कि 25 से 30 एमएम का स्टैंडर्ड लगभग पाया जाता है और इसको मोल्ड में फिक्स कर दिया जाता है। दूसरा आपका एल्बो 90 डिग्री एल्बो, जहाँ पे आपको पानी को घुमा के लेना है वहाँ पे हम टाइट करते हैं। अगला है स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड विदाउट थ्रेड निप्पल। इसमें क्या होता है दोस्तों, यह रेडीमेड ऐसा ही आता है जैसे कि आप देख रहे हैं, बिना थ्रेड का आप जितना थ्रेड चाहिए आप लेथ मशीन पे बना सकते हैं और मोल्ड में फिक्स्ड कर सकते हैं। अगला जैसा कि इमेज में देख पा रहे होंगे, यह रीयूजेबल थ्रेडेड निप्पल है। जैसा कि आपका अगर आगे थ्रेड खराब हो गया तो उसको हेक्सा से काट लीजिए, फिर आपका अगला थ्रेड तैयार होता है यूज करने के लिए, तो इसको रीयूजेबल थ्रेडेड निप्पल भी कहते हैं। दोस्तों अगला है एक्सटेंडेड थ्रेडेड निप्पल। जैसा कि नाम से मालूम होता है एक्सटेंडेड है यानी कि लंबा है। इसका प्रयोग होता है जहाँ पे हाउसिंग में डीप कूलिंग दिया जाता है, यानी कि हाउसिंग में जब कैविटी इंसर्ट या कोर इंसर्ट में कूलिंग दिया जाता है डीप, तो उसमें यहाँ पे इस एक्सटेंडेड निप्पल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला है क्यूआरसी टाइप जो है
आपका PUQRC निप्पल। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पॉलीयुरेथेन का जो पाइप है वह इस टाइप के QRC निप्पल में यूज किया जाता है। इसको पुश टाइप निप्पल भी कहते हैं दोस्तों। यह भी एल्बो टी इत्यादि शेप्स में पाए जाते हैं। आइए इसको देखते हैं कैसे फिक्स किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसको पुश करके फिट किया जाता है और उसके बाद यह फिक्स हो जाता है। आइए एक बार फिर देखते हैं, पुश किया गया, फिट हो गया, अब यह नहीं निकल रहा है। उसके बाद फिर पुश करके आपका इसको निकाल लिया जाता है, रिलीज किया जाता है। तो ये भी QRC होता है, क्विक रिलीज होता है। दोस्तों अगला पार्ट जो होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है कूलिंग प्लग्स। दोस्तों इसका प्रयोग जो होता है कूलिंग लाइन को प्लग करके डाइवर्ट करने में किया जाता है। इसमें हम ज्यादातर ग्रब स्क्रू को यूज करते हैं अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, आजकल के टेक्नोलॉजी में। जैसा कि आप इमेज देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्लग करके वाटर को, पानी लाइन को डाइवर्ट किया गया है, इसलिए इसको डाइवर्टर प्लग भी कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्पेशल टाइप का यह प्लग है। इसमें जो आपका स्क्रू ड्राइवर का खांचा जो दिख रहा है, इसमें अगर स्क्रू डाल के घुमाया जाएगा तो इसके ऊपर की जो ओरिंग है वो बाहर की तरफ निकलती है। इसको आपके मोल्ड में ड्रिल करके इसी की शेप के बराबर उसके पुश फिट कर दिया जाता है। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से इसको घुमा कर आपका ओरिंग को बढ़ा दिया जाता है, मतलब कि चौड़ा किया जाता है बाहर की तरफ फेंकता ओरिंग, जिससे वाटर लीकेज नहीं होता है। दोस्तों इसके अलावा जनरल जो होता है, पहले कैसे प्लगिंग की जाती थी, जैसे कि आपका कॉपर हो गया या आपका एल्यूमिनियम रॉड से प्लग कर दिया जाता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, अगर कूलिंग लाइन जाम होता है तो आप उसको क्लीन नहीं कर पाते हैं, उसके लिए आपको ड्रिल करना होगा। परंतु इस सिस्टम में आप इसको निकाल कर आप क्लीन करके फिर से प्लग कर सकते हैं, जिसमें आपको ड्रिलिंग का मेहनत से बच जाएंगे और बहुत ही इजीली और आसानी से जल्दी हो जाता है। अगला है स्ट्रेट बफल पार्ट। ये जो पार्ट होता है आपका, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, इसमें जो है थ्रेडेड होता है एक हिस्से पे, ये थ्रेड आपका होता है, थ्रेडेड विद थ्रेड्स आपका स्ट्रेट बफल है। इसका प्रयोग जो होता है आपके डीप कूलिंग्स के लिए किया जाता है, वाटर लाइन को सेपरेट सेपरेट विभाजित करने के लिए, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। अगला है आपका स्ट्रेट बफल विद ओरिंग पुश फिट, यानी कि जैसा कि आपने डाइवर्टर प्लग देखा सेम वैसा ही इसमें होता है। इसको पुश फिट करके और उसके बाद ओरिंग को टाइट करके बाहर कर निकाल लिया जाता है, जिससे ओरिंग आपका वाटर लीकेज को बंद कर देता है और यह बफल्स के रूप में काम करता है। दोस्तों अगला है आपका ट्विस्टेड बफल। ट्विस्टेड बफल का प्रयोग जो होता है अक्सर पतले कोर और लंबे कोर में या सर्कुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है, जिससे आपकी ओवलिटी को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि प्रोडक्ट में जो ओवलिटी आती है उसको कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों अगला है बबलर पिन। बबलर पिन का प्रयोग जो है लंबे कोर कूलिंग के लिए किया जाता है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे यहाँ पे बबलर कूलिंग को फिट कर दिया, जहां से एक तरफ से पानी आ रहा है ब्लू कलर का और जेटिंग करके आपका D5 जहां पे लिखा वहां पे जेटिंग करके उसके बाद वापस आपका आउट में जाता है। दोस्तों हमने कूलिंग के बारे में कितने टाइप से कूलिंग होती है उसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और हमारे चैनल पर उसका एक कूलिंग नाम का, मोल्ड कूलिंग नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें भी जाके यह सारी वीडियोस देख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों कूलिंग ब्रिज, कूलिंग ब्रिज का लोकल भाषा में अगर कहें तो कूलिंग ब्रिज को हम कहते हैं लूप। दोस्तों कूलिंग ब्रिज कुछ इस प्रकार होता है, जो कि आप एलेंकी की मदद से आप लूप कर सकते हैं आपके एक डिस्टेंस पे, या अगर डिस्टेंस कम ज्यादा होता है तो उसके लिए फ्लेक्सिबल कूलिंग ब्रिज आता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फ्लेक्सिबल इसलिए होता है क्योंकि आपका जो पाइप होता है बीच का, तीर से निशान बनाया जा रहा है, वह फ्लेक्सिबल पाइप होता है। जैसे कि आप मोल्ड में इमेज में देख पा रहे होंगे यहाँ पे अगर दूरी कम है तो यहाँ पे हम फ्लेक्सिबल कूलिंग पाइप लगा सकते हैं, कूलिंग ब्रिज को लगा सकते हैं। दोस्तों अगर कम है तो फ्लेक्सिबल लगाएं, लेकिन ज्यादा हो तो क्या करेंगे, इसके लिए एक्सपेंडेबल कूलिंग ब्रिज प्रयोग किया जाता है, जो कि एक लिमिटेड दूरी तक इसको फैलाया जा सकता है, कम ज्यादा करके लगाया जा सकता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं इसको बढ़ा के या छोटा करके लगाया जा सकता है एक लिमिटेड दूरी पर, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड आता है। दोस्तों अगला है इंटरनल लूप। यह भी लूप का काम करता है। इसका जो है मोल्ड के अंडर, यानी कि कैविटी के अंदर चेंज किया जाता है, जैसे वो जो आपका लूप था आपका कूलिंग ब्रिज वो बाहर से किया जाता है, इसका अंदर भी किया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपके दो कूलिंग लाइंस को मर्ज किया गया है, यानी कि लूप किया गया है। दोस्तों इसमें जैसे कि बाहर प्लेट पे, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, ऐसा भी लूप किया जाता है, इससे कूलिंग लाइन ईजिली छोटे और कम समय में कम जगह में लूप हो जाता है। दोस्तों
ओरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। यह है मोल्डेड ओरिंग जो कि बनता है आपका नाइट्राइल का, सिलिकॉन का और वीटॉन का। दोस्तों इसमें सबसे इफेक्टिव और अच्छा ओरिंग जो होता है आपका वीटॉन ओरिंग होता है जो कि 180 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान झेल सकता है या सह सकता है और रप्चर नहीं होता है। सिलिकॉन आपका 150 डिग्री और नाइट्राइल आपका 90 डिग्री तक का। दोस्तों एक और ओरिंग होता है जो कि ओरिंग कॉर्ड के नाम से जाना जाता है। यह एक्सट्रूडेड होता है और आपका जो सर्कुलर दिख रहा है वह मोल्डेड होता है। यह मैक्सिमम बनाया जाता है आपका नाइट्राइल में जो कि 90 डिग्री तक टेम्परेचर वियर करता है और सिलिकॉन में जो कि 150 डिग्री तक आपका टेम्परेचर वियर करता है। दोस्तों आज का यह कूलिंग एसेसरीज वाला वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दीजिए। दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।